नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ठीक ना, आज हम लोग शानदार तरीके से जो है कि क्विज आज हम सब करेंगे छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन के विषय में। आप सबको विदित हो कि उत्तर वैदिक काल में धर्म में बहुत कुसंगतियां आ जाने के उपरांत महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, मोगली पुत्र गोशाल जैसे न जाने तमाम कितने दार्शनिक आए। चूंकि ऐसी जानकारी मिलती है कि 70 से अधिक संप्रदायों का जन्म हुआ, लेकिन उसमें 2-3 संप्रदाय जो थे वो अधिक पुष्पित पल्लवित हुए और उन्हें दोनों संप्रदायों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों आता है। जैन धर्म की उत्पत्ति के विषय में एक्यूरेट बताना बड़ा कठिन है कि कब इसकी समय अवधि थी, क्योंकि इसके जो 24 तीर्थंकर हैं इनके 2 तीर्थंकरों का नाम ऋग वेद में भी मिलता है, अर्थात ऋग वैदिक काल से ही एक अलग प्रकार की विचारधारा आ रही थी। लेकिन उस समय इतना जो था कि डिफरेंस नहीं हुआ था, अंतर नहीं हुआ था, लेकिन कालांतर में हिंदू धर्म में, हिंदू मत कहिए, सनातन परंपरा में आपको कई विसंगतियां आ गईं, जैसे स्त्रियों के दशा में पतन, जैसे ऊंच नीच की भावना, जैसे जातिगत भावनाएं, जैसे राजा का पद वंशानुगत हो जाना, जैसे कर्मकांडों की बहुलता, तो ये सारी चीज़ें जो थी ये कहीं ना कहीं आपको जो था वो काफ़ी विसंगतियां उत्पन्न कर रहा था। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के द्वारा संप्रदाय जो चलाया गया, धर्म जो चलाया गया, उसमें स्त्रियों पर तो इन दोनों ने विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाकी अन्य चीज़ों पर इनके द्वारा विशेष रूप से ध्यान दिया गया, और दिया गया तो उसमें सुधार भी होने का प्रयास हुआ। तो आइए इन्हीं संप्रदायों से, खासकर छठवें शताब्दी ईसा पूर्व जो 2 प्रमुख आपको धार्मिक संगठन थे, जो धर्म था, उन्हीं के विषय में हम सब आज अध्ययन करेंगे। ठीक ना, तो आइए पहले ही हम लोग पहले क्वेश्चन से देखते हैं। अब देखिए, पूछ रहा है कि तृतीय शताब्दी ईस्वी में योगाचार या विज्ञानवाद संप्रदाय के समर्थक कौन थे। तो ये आपको योगाचार या विज्ञानवाद जो संप्रदाय है, कौन सा योगाचार या विज्ञानवाद जो संप्रदाय है, यह संप्रदाय पहले तो जानिए कि आपको किस धर्म से संबंधित है। तो ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किसे? बौद्ध धर्म से संबंधित। एक बात हुई, दूसरी बात क्या हुई? तो दूसरी आपको जो थे इसका प्रवर्तक कौन था, संप्रदाय का प्रवर्तक या आपको संस्थापक पूछा जाए। बात दोनों एक ही है। इसके संस्थापक जो थे मैत्रेयनाथ थे। कौन? मैत्रेयनाथ को इस संप्रदाय का संस्थापक कहा जाता है। ये बातें हुई। अब यह संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित था। बौद्ध धर्म के किस शाखा से? तो महायान शाखा से। महायान शाखा से यह संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट,
थैंक यू यार। प्रमुख संप्रदाय है इसके विषय में आइए देखिए। अब यहीं पे गोरखनाथ, ये आपको ये किस संप्रदाय से संबंधित हैं, तो ये आपको गोरखनाथ जो हैं गोरखपीठ से संबंधित हैं। ये गोरखपीठ कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में गोरखनाथपीठ है। गोरख संप्रदाय जो था ये आपको किस संप्रदाय का, तो शैव धर्म का एक संप्रदाय है गोरख संप्रदाय शैव धर्म का एक संप्रदाय है। ये बातें हैं। और इसके संस्थापक कौन थे, तब आप जवाब दीजिएगा मतेंद्रनाथ। इस संप्रदाय के संस्थापक मतेंद्रनाथ जी थे। एकदम आराम आराम से आप सब क्वेश्चन को करते चलिए। अब आया महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ कौन था, तो ये आपको प्रज्ञापारमिता, ब्रजसूचि, अवदान कल्पलता या सुतनिपात। तो इसमें प्रज्ञापारमिता जो था ये सर्वाधिक दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। अब प्रज्ञापारमिता को एक और नाम से जानते हैं, माध्यमिका सूत्र इसे भी कहते हैं। ये बातें आप सबने देखी। और इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार आपको जो है नागार्जुन इसके रचनाकार नागार्जुन को माना जाता है। किसे, नागार्जुन को इसका रचनाकार माना जाता है। ये आपसे बातें ठीक। चलिए नेक्स्ट देख भाई, नागार्जुन किस संप्रदाय से थे, तो आपको वही आ गया। आपको कौन से संप्रदाय से, तो ये आपको माध्यमिका संप्रदाय से। यहाँ पे योगाचार आया है, तो एक बार योगाचार और माध्यमिका संप्रदाय इन दोनों की उत्पत्ति स्थल क्या है, तो महायान शाखा से इनके उत्पत्ति हुई है, ठीक ना। और आपको वैभाषिक और सौत्रामणि जो हैं ये आपको किससे उत्पन्न हुए हैं, तो ये दोनों आपको हीनयन शाखा से हुए। चलिए जो भी है, अब योगाचार के इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक मैत्रेयनाथ। और इसके प्रवर्तक नागार्जुन। यहाँ पे बातें हो गई। ये नागार्जुन था कौन, तो ये नागार्जुन जो थे ये आपको कनिष्क के दरबारी थे। और क्या थे, तो इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ये बातें ठीक। चलिए आपको यहीं पे पीछे मैंने बताया ही कि आपको जो है प्रज्ञापारमिता ये ग्रंथ है,
इनके द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, तब आप बताइएगा माध्यमिका सूत्र। कौन सी? माध्यमिका, मिका सूत्र, या इसे ही शून्यवाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, ये आपको, ये शून्यवाद के जनक, शून्यवाद वाद के जनक, ये बातें भी है। माध्यमिका को ही शून्यवाद भी कहते हैं। चलिए, और योगाचार को विज्ञानवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? योगाचार को विज्ञानवाद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, भूमि स्पर्श मुद्रा के सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। तो भूमि स्पर्श वाले जो मूर्ति बनी थी सारनाथ में, ये आपको गुप्त काल से संबंधित है। किसके काल में? गुप्त काल में आपको संबंधित है। ये आप देखो यहाँ पे कुषाण काल, तो कुषाण काल के शासक जो थे, प्रारंभिक शासक इसके, आपको सैव धर्म के मता अनुयायी थे, जैसे भीम कटफिसस। भीम कटफिसस के सिक्कों पर शिव, पार्वती, नंदी, विष्णु, कार्तिकेय आदि देवताओं के चित्र अंकित मिलते हैं। लेकिन आप सबको बता दूं, वही उसका पुत्र कनिष्क जब गद्दे पर बैठता है, तो कनिष्क एकदम से बौद्ध मता अनुयायी था। इसी कारण कनिष्क को भारत का दूसरा अशोक भी या द्वितीय अशोक कहकर संबोधित किया गया है। और कनिष्क के काल में ही आपको चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन भी किया गया। गुप्त काल, अब यहीं पे जो है कि कनिष्क काल में आपको मूर्ति कला की दो शैली प्रसिद्ध थी। मूर्ति कला के दो शैली आपको प्रचलित थी। ये दो शैली कौन कौन सी थी? तो ये दो शैली आपको, पहली शैली जो थी इसे क्या कहते थे? तो गांधार शैली, ठीक ना, गांधार शैली। और दूसरे को क्या कहते थे? तो मथुरा शैली। ये आप सब देखो, मेरा बताने का, जब तक घटनाओं को एक दूसरे से बाबू को रिलेट नहीं करोगे, तब तक आना मुश्किल है, ठीक ना। आप सबको लग रहा होगा कि सर बड़ा धीरे धीरे और बड़ी चीजें बताते हैं, वैसे मैं इसलिए बताता हूं कि परीक्षाओं को पास करने के लिए बहुत जरूरी है। ये मायने नहीं रखता कि मैं 12 घंटा पढ़ता हूं, 14 घंटा पढ़ता हूं। मैं फिर बता रहा हूं कि एक स्मार्ट तरीके से आप सबकी तैयारी होनी चाहिए, जहां कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्राप्त कर सको। ये लग रहा होगा आपको, ठीक ना, लेकिन एकदम बिल्कुल आपको जो जीवन भर पढ़ोगे उसको, कुछ चीजों को एकदम साठ तरीके से जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हें हमें आपको जानने की आवश्यकता है। अब गुप्त काल में जो था, इसी काल में यानी कनिष्क काल में ही, काल में मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई। किसकी? मूर्ति पूजा प्रारंभ, कनिष्क के काल में मूर्ति पूजा प्रारंभ होती है। और इसी काल में जो पहले पूजे जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो महात्मा बुद्ध हैं, ठीक ना। प्रथम पूजे जाने वाले कौन है? तो महात्मा बुद्ध जो हैं, ये प्रथम पूजे जाने वाले व्यक्ति हैं। अब यहीं पे ये जो है, ये शैली, ये विशुद्ध भारतीय शैली है। कैसी? तो विशुद्ध भारतीय शैली है, जबकि यह जो है ग्रीक और यूनानी इन दोनों प्रभावों से
प्रभावित है, ठीक ना। ये बातें अब मूर्ति पूजा यानी भूमि स्पर्श मुद्रा वाले कनिष्क न लगाइएगा, लगाइएगा किसे, आपको गुप्त वंश को। सही आंसर यदि आप सबको करना है तो गुप्त वंश को लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्न में से किस एक ने किया। ये मैं सारी बौद्ध संगते आपको एक जगह एक डायग्राम में पढ़ा देता हूं, कहेंगे तो ट्रिक से भी बता दूंगा और ऐसे भी आप सबको बता दे रहा हूं। एक तरफ लिख लो बौद्ध संगति, क्या लिख लो, बौद्ध संगति। दूसरे तरफ इसका जो है आपको समयावधि, और तीसरी तरफ बच्चा आप जो है के अध्यक्ष, और चौथा आपको जो है राजा या शासक। चूंकि कार्य भी आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, ठीक ना। अब यहां पे कर लो प्रथम, प्रथम बौद्ध संगते आपको समय अवधि, राजा और स्थान, समय अवधि और स्थान, स्थान भी कर सकते हो, ठीक ना। ये आपको समयावधि कब, तो 483 बीसी में। स्थान कहाँ, तो स्थान इसी में आप जो है, हाँ ये स्थान भी बना लो, मैं स्थान भी बताता चल रहा हूं, ठीक। ये अध्यक्ष कौन था, तो यहीं पे आपको महाकश्यप, कौन था, महाकश्यप। राजा कौन था, तब अजात शत्रु बताइएगा, अजात शत्रु। और स्थान कहां था, तब गिरी ब्रज या राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। ये आपको जब द्वितीय बौद्ध संगते आपसे पूछे तो जस्ट 100 साल बाद यानी 383 बीसी आप इसे बताएगा, ठीक ना। और अध्यक्षता किसने की थी, तो साबा कामी या सर्व कामी के द्वारा इसके अध्यक्षता की गई। राजा कौन था, तो काला शोक आपको राजा था। किस स्थान पर, तब बताइएगा वैशाली में, कहां पर, वैशाली, वैशाली में आपको आयोजित हुआ। नेक्स्ट तृतीय बौद्ध संगते, ये कब, तो ये आपको 256 से 50 बीसी में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस, तिस के द्वारा आपको किया गया। राजा कौन, तो काला शोक से अशोक कर लीजिएगा, ठीक ना, अशोक। और कहां, तब वैशाली से पाटलिपुत्र कर लीजिएगा, कहां पे, वैशाली से पाटलिपुत्र इसे आप सब कर लीजिएगा। अब चतुर्थ बौद्ध संगते, तब आप जवाब दीजिएगा प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी या कहीं कहीं 78 एडी बच्चा आप सबको लिखा हुआ मिलेगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वसुमित्र ने अध्यक्ष थे, और अश्वघोष जो था ये उपाध्यक्ष था, उपाध्यक्ष। ये बातें हुई। ये समय राजा कौन था, तो कनिष्क था, और आप जो है कहां पे, तो कुंडल वन, वन कश्मीर में, कश्मीर। ये आपको पूरे बातें हुई, ठीक। समझ में सभी लोगों को आया होगा, आया कि नहीं, सारी बातें मैंने आप सबको एक जगह। अब कहीं से कोई भी प्रश्न पूछे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए।
महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो जहां चूंकि ये आपको चार स्थान दिया गया है, बोध गया कौन सा स्थान है, तो यहां पे आपको महात्मा बुद्ध को ज्ञान के प्राप्ति, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, इसे क्या बोला गया, तो संबोधि बोला गया है। क्या बोलते हैं, तो संबोधि, ठीक ना, ये बातें हुई। जब श्रावस्ती आया तब आप जवाब दीजिएगा सर्वाधिक उपदेश, श्रावस्ती सर्वाधिक, ठीक ना, सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश, महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिया। यहां आपको सारनाथ में क्या हुआ, तो आपको सारनाथ ने, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, क्या किया, प्रथम उपदेश दिया, और इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक, धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रवर्तन इसे कहा गया। और कुशीनारा में निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण या मोक्ष कह लो, की प्राप्ति, के प्राप्ति, और इसे ही बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, महापरिनिर्वाण। ये आप सबको बातें हुई। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे हम सब आइए अगले प्रश्न में। कह रहा है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां व्यतीत की, तो एक बार पुनः आपको जो है सारे प्रश्न श्रावस्ती से लेकर वैशाली तक आपको जो है ये दे दिया। तो अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहां पे बिताई थी, तो चूंकि अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनारा में बिताया था इन्होंने, कहां पर, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनारा में बिताई थी, और इसी स्थान पर आपको जो है 483 BC में आपको जो है कुशीनगर में इनको मृत्यु हुई, बीसी में इनकी 80 वर्ष की अवस्था में के अवस्था में मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। बाकी वैशाली क्या था, तो वैशाली से आप याद रखे रहेगा कि प्रसिद्ध गणिका, प्रसिद्ध गणिका, गणिका शिष्या, शिष्या आम्रपाले, आम्रपाले जो थे रहने वाले थे, रहने वाले, इसे वैशाली का नगर वधु भी कहा जाता है। बाकी सारनाथ में मैंने बता दिया कि धर्म प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, और यहां पर बताया मैंने श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश, कितना, सर्वाधिक उपदेश। इस तरह आप देख रहे होंगे कुल कितनी बार, तो 25 वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में, कहीं कहीं वर्षावार लिखा है, तो ये बातें हुई, वर्षवार नहीं, वर्षा ऋतु में आकर। नेक्स्ट, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है, और ये सब के सब जो हैं ये आपको किससे संबंधित हैं, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित व्यक्ति माने जाते हैं, ठीक ना। तो किसे भिक्षु बनाकर भेजा गया था,
ये आपको जो है के वसुमित्र को, किसे? वसुमित्र को बौद्ध भिक्षु बनाकर आपको चीन भेजा गया था। ये प्रथम शताब्दी में, यानी किसके काल में? तो कनिष्क के समय में, कनिष्क के समय में, के समय, ये सब के सब, ये तीनों जो हैं ये कनिष्क के काल के हैं। कनिष्क कालीन, कालीन आपको वसुमित्र पीछे मैंने बताया कि चतुर्थ बौद्ध संगते की अध्यक्षता के, संगते के अध्यक्षता। इसके साथ साथ ये महान लेखक भी थे, और इनके द्वारा आपको जो है बुद्ध चरितम, कौन सी? बुद्ध चरितम, चरितम इनके द्वारा, बुद्ध चरितम। ठीक, इसके बाद इनके द्वारा सौंदर्यानंद, ये आपको दो, इनके और भी कई नाटक हैं, ठीक ना? आपको बुद्ध चरितम, सौंदर्यानंद, ये सभी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अश्वघोष को आप सबको पता होना चाहिए कि इसने माध्यमिका सूत्र नामक जो है, सॉरी अश्वघोष नहीं, ये आपको जो है नागार्जुन, माध्यमिका सूत्र, ये मैंने गलत बताया, ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है बुद्ध चरितम। ठीक ना? सौंदरानंद, प्रज्ञा पारमिता, ये आपको नागा अर्जुन के द्वारा लिखा गया है, प्रज्ञा पारमिता, ये सौंदर्यानंद। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी जो थे ये शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो वह कोई और नहीं बाबू, ये आपको मौर्य वंश से पता चलता है। और आपको कहाँ से पता चलता है? तो अशोक, अशोक की आपको रुम्मिन देई अभिलेख से, रुम्मिन देई अभिलेख, अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है। और तो और इस बात की भी जानकारी मिलती है कि अशोक अपने राज्यारोहण के, कितने? अशोक अपने राज्यारोहण के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। लुम्बिनी जो है लुम्बिनी गया, और क्या क्या? तो गया और कर जो टैक्स था उसे 1/8, 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया, घटाकर 1/8 कर दिया। ये बातें। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित चार आर्य सत्य का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प बताइए। दुख, दुख का कारण यानी पहला और चौथा, फिर दुख निरोध, और फिर दुख गामनी प्रतिप्रदा। ये आपको, यानी पहले नंबर पे पहला होगा दुख, फिर दुख का कारण क्या है,
फिर दुख का निरोध क्या है, और दुख के निरोध यदि हुआ तो उसका उपाय क्या है कि ये दुख चला जाए। तो दुख के कारण में बातें होती हैं कि तृष्णा, जो तृष्णा माने चाह, किसी चीज की पाने की चाह, रखने की चाह, जो चाह है यही दुख का मूल कारण है, और इसी कारण व्यक्ति के जीवन में दुख आता है। ये बातें तो आपको देखने को जो मिलेगा, कौन सा मिलेगा, तो पहला आंसर जो है ये बिल्कुल सही, पहले दुख, ठीक ना, फिर दुख का कारण, दुख का निरोध, और फिर दुख गामिनी प्रतिप्रदा, ऐसे भी लिखा है दुख गामिनी प्रतिप्रदा, प्रतिप्रदा प्रदा, या इसे ही बोला गया है मध्यम मार्गे प्रति प्रदा। ना बहुत अधिक सुख सुविधा, ना ही बहुत काया क्लेश, बल्कि बीच के मार्ग को अपनाना ही उचित है, ये बात कहा गया। नेक्स्ट, बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध की माँ बाप जितना है ये सारी बातें आइए जान लेते हैं। बुद्ध की माँ जो थे, पहले पिताजी को जान ले, ठीक ना, पिता कौन थे? तो बुद्ध के पिता का नाम सुद्योधन था। क्या था? सुद्योधन। और इनसे ये किस कुल के थे, कुल या वंश के थे, आपको किस कुल के थे, तो ये आपको हाँ माता, ये किस कुल के थे, तो शाक्य कुल के थे, शाक्य कुल या वंश के थे। इनकी माता कौन थी? तो महामाया, महामाया। ये आपको, ये किस कुल के थे, इनका कुल क्या था महामाया जी का, तो ये कोलीय वंशीय थी। क्या थी? कोलीय वंशीय, ये आपको कोलीय वंशीय इनकी माता थी। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? किसका? महात्मा बुद्ध का। तब बताइएगा इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, ठीक ना, ये सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। इनके पत्नी का नाम क्या था? तब बताइएगा पत्नी का नाम यशोधरा था, यशोधरा। और जब पूछे कि पुत्र का नाम क्या था, तब बताइएगा राहुल इनके पुत्र का नाम। ये आपको प्रमुख बातें। चलिए नेक्स्ट आइए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? अभी ही मैंने बताया था कि ये आपको चार स्थान है, ये कौशाम्बी, कौशाम्बी बौद्ध धर्म, बौद्ध एवं जैन, बौद्ध एवं जैन मत का ये राजगृह क्या थी? तो प्रथम बौद्ध संगति, बौद्ध संगति, ठीक ना, यहीं पे प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट, श्रावस्ती क्या था? तो सर्वाधिक उपदेश, यही आपको आंसर भी है, सर्वाधिक उपदेश यहीं पर दिए थे। और वैशाली क्या था? तो द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, ये आपको जो बातें हो गई। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक
विकसित शैलकृत चैत्र विहार कहाँ है? तो आपको वेदशा में, गुन्नेर में, कार्ले में या पीतल खोरा में? तो इस प्रश्न के जवाब के तहत आपको देना ये है कि सर्वाधिक जो है ये आपको विकसित बौद्ध प्रतिमाहीन धर्म से संबंधित जो है ये कहाँ पर है, तब आप जवाब दीजिएगा कि जुन्नार में है। कहाँ पे? जुन्नार में है। ये हीनयायन और महायायन, हीनयायन किससे निकला था? तो बौद्ध धर्म के आपको तृतीय विभाजन के समय, बौद्ध धर्म के, ऐसे लिखो, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन, विभाजन कब हुआ? तब आप बताइएगा कि सेकेंड बौद्ध संगति, बौद्ध संगति यहां पर जो विभाजन हुआ वो क्या हुआ? तो वो दो भागों में हुआ, एक अस्थवीर कहलाए और एक महासांघिक। महासांघिक अस्थवीर वो थे जो बिना परिवर्तन के ही बौद्ध धर्म को अपना लिए, और महासांघिक वे थे जो परिवर्तन के साथ अपना है, ठीक ना? ये बातें हुई। अब यही महासांघिक का विभाजन जो है दो भागों में आगे चलकर होता है, ये द्वितीय विभाजन। द्वितीय विभाजन कब हुआ? तब आप बताइएगा चतुर्थ बौद्ध संगति में, चतुर्थ बौद्ध संगति में। और किसमें हुआ? तब बताइए कि हीनयान, हीनयान और जो था महायान, और यही हीनयान का केंद्र जो था ये आपको कहाँ था? तो आपको बता सकते हैं जुन्नार, जुन्नार। और आपको महायान का केंद्र कहाँ था? तो आपको नालंदा, नालंदा था ये महायान का, या आप और भी स्थानों में तब मथुरा, और भी तो आपको जो है कि कौशाम्बी, शाम्बी, ये सभी आपको जो है कन्नौज, ये सारे स्थान जो थे महायान के केंद्र थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध का दूसरा नाम था? तो गौतम बुद्ध का दूसरा नाम जो था, इनको कई नामों से जाना जाता था, इन्हें प्रछन्न कहा जाता था, इन्हें बुद्ध कहा जाता था, इन्हें गौतम कहा जाता था, इन्हें तथागत कहा जाता था, इन्हें आपको जो है के क्या बोलते हैं, सिद्धार्थ कहा जाता था इन्हें, और आपको एक और है नाम, ये सिद्धार्थ, ठीक ना? ये कई नामों से जाने जाते थे। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? ये आपको, और बड़ा ही कई बार यह फंसाने वाले चीजें भी पूछता है कि किस भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया। तो एक बात याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध का उपदेश पाली भाषा में था। किसमें? पाली भाषा में इनका उपदेश था, जबकि आपको जो है कि प्राकृत भाषा में, प्राकृति नहीं होता बेटा, ये गलत है, प्राकृत, और प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने दिया, महावीर स्वामी का उपदेश, का उपदेश रहा, ठीक ना? लेकिन आपको अर्धमागधी जो थी ये आपको जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में है, अर्ध
मागधी भाषा में। ये आपको जो बातें, ये कई बार प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति जो था यह सुभद्र था। सुभद्र को मरने से पूर्व महात्मा बुद्ध ने सुभद्र को ही दीक्षित किया था, ठीक ना। जब पूछे आनंद कौन था, तब प्रिय शिष्य कहना, प्रिय शिष्य, और इसी के कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल की। इसी के कहने पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी। ये बातें, और प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थे, तब आप जवाब देना प्रजापति गौतमी जो थे, यह आपको प्रथम। दूसरी यदि पूछे तो इन्हीं की पुत्री नंदा थी, यानी महात्मा बुद्ध के बहन नंदा थी। और तीसरी पूछे तो महात्मा बुद्ध के पत्नी यशोधरा जी जो थे ये थी। और यदि चौथा पूछे तब बताइएगा आम्रपाली, गणिका आम्रपाली यही। और महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में जब महिलाओं को शामिल किया तो उन्होंने एक बात भी बोली, ये बोला कि 500 वर्ष बाद इसमें विकार उत्पन्न हो जाएगा, और ये कालांतर में एकदम सच भी साबित हुआ। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध में धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र अर्थात धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश आपको दिया, कहाँ दिया? तो अभी ही बताया कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध के द्वारा उपदेश दिया जाता है। कपिल वस्तु, तो आपको लुम्बिनी में जन्म होता है, लुम्बिनी में जन्म, यहाँ भी कपिल वस्तु के लुम्बिनी में आपको जन्म होता है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी के आम्रपाली बगीचे में, ऐसे लिख लो, कपिल वस्तु के लुम्बिनी के आम्रपाली पाले वन में जन्म हुआ, ठीक ना। ये बातें हुई। बोध गया में क्या हुआ, तो ज्ञान की प्राप्ति। और बोध गया को क्या कहते हैं, तो बोध गया को उरुवेला भी कहा जाता है। ये बातें। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध की 200 फीट कांस्य, क्या यार क्या ये सब करते हैं, कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया, कहाँ लिया गया, कुशीनगर में, सारनाथ में, श्रावस्ती में या बामियान में? तो ये आपको कुशीनगर में लिया गया है। 200 फीट ऊंची प्रतिमा कांस्य के सारनाथ में लिया गया, क्यों? तो महात्मा बुद्ध को सारनाथ में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बामियान कहाँ है भैया, तो यह बौद्ध स्थल अफगानिस्तान में स्थित है, यह बौद्ध स्थल अफगानिस्तान में स्थित। यहाँ पे महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं थी जो तालिबानियों के द्वारा तोड़ दी गए या नष्ट कर दी गए हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आइए, किस
इस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया, तो वह था महाबोधे मंदिर समूह। कौन था? तो महाबोधे मंदिर समूह जो था, इसी के जरिए महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों को पूरे जो है सभी जगह प्रचार प्रसार किए। नेक्स्ट आइए। अच्छा, महाबोधि मंदिर ये सब, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो ये भी दिल्ली में है। आपको कुतुब मीनार कहाँ है? तो ये भी दिल्ली में है। और आपको जब पूछे लाल किला कहाँ है, तो ये भी दिल्ली में है। और महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो सारनाथ में है। अब ये देखो, ये आपको हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, तब आप जवाब दीजिएगा कि अकबर की माँ या हुमायूं की पत्नी के द्वारा बनवाया गया था। कुतुब मीनार किसने नींव रखे थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। जब आपसे पूछे लाल किला किसने बनवाया था, तब आप जवाब दीजिएगा शाहजहां के द्वारा लाल किला का निर्माण करवाया गया था। ठीक, नेक्स्ट। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय कहां बनी? तो सबसे बुद्ध के प्राचीनतम मूर्तियां एक ही समय में जो बने, वह मथुरा और गंधार में बने। किस काल में? तो कनिष्क के काल में। किसके काल में? कनिष्क के काल में। के काल में आपको आपको अभय मुद्रा, वरद मुद्रा, शांत मुद्रा, योग मुद्रा, तमाम मुद्राओं में महात्मा बुद्ध के प्रतिमाएं या मूर्तियां बनी। और कनिष्क के काल में ही मूर्ति पूजा पुनः भारत में प्रारंभ हुआ। और साथ साथ ये गांधार शैली जो थी, इसको आपको किसके समय में या कैसी शैली थी? तो यह मिश्रित शैली थी। और इस शैली पर यूनानी कला और आपको रोमन कला का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसे हेलियोनिस्टिक शैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख मिलता है? यानी अशोक का वह अभिलेख, ये कलिंग अभिलेख है। तो कलिंग अभिलेख जो है, ये आपको कौन सा है? तो सबसे बड़ा अभिलेख है, सबसे बड़ा बड़ा अभिलेख अभिलेख। और क्या है? तो इसी में कलिंग अभिलेख न करो, ये 13वें अभिलेख में कलिंग अभिलेख भी नहीं, क्योंकि 13वें अभिलेख में आपको कलिंग युद्ध के जानकारी प्राप्त होते हैं। तो ये भाब्रू बैराट अभिलेख, इसमें भाब्रू बैराट अभिलेख जो है, इसी अभिलेख में आपको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, चलिए। भाब्रू बैराट अभिलेख में एक और बातें हैं। भाब्रू बैराट अभिलेख में अशोक का नाम व्यक्तिगत अशोक वर्धन मिलता है या अशोक मिलता है। अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट, जल्दी से, महायान संप्रदाय का उद्भव कहाँ हुआ? तो महायान संप्रदाय का उद्भव कश्मीर में हुआ। कब हुआ? तब प्रथम शताब्दी में। और कब हुआ? तब जवाब दे सकते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगति के समय,
चतुर्थ बौद्ध संगति के समय, संगति के समय आपको जो है इसके बातें भावी। ठीक, नेक्स्ट आइए, बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत का चार आर्य सत्य प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका करते हैं? तो ये सभी चार आर्य सत्य जो हैं आत्मा की अमरता का करते हैं। किसका? तो आर्य सत्य जो हैं ये सभी किसकी करते हैं? तो आत्मा की अमरता का करते हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख गामनी प्रतिपदा। ठीक ना, दुख गामनी प्रतिपदा चौथा जो है दुख गामनी गामिनी प्रतिपदा। ये आपको चार बातें। नेक्स्ट देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तब जवाब दीजिएगा कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में, कुंड ग्राम में। आपको कहाँ पे है? तो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंड ग्राम में। ठीक ना, कुंड ग्राम में। अब यहीं पे ये आपको महावीर स्वामी से ये प्रथम सॉरी अंतिम एवं अंतिम तीर्थंकर ऐसे करो वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी थे। ये आपको और साथ साथ इन्हें आपको मुख्य रूप से जो बातें हैं, पिता का नाम तब बताइएगा कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और कहां के थे? तो ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे, कुल के मुखिया माने जाते थे। और इनके जो माता श्री थे यानी माता का नाम क्या था तब बताइएगा? त्रिशला। और कौन थे? तो आपको वैशाली के राजा चेतक के बहन, वैशाली के राजा चेतक के बहन यानी चेतक जो था महावीर स्वामी का मामा आपको माना जाता है। महावीर स्वामी के मामा चेतक जी जो हैं ये कहे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए आपको, नेक्स्ट त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक आपको चरित्र। ये सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो आपको जैन धर्म है। यानी त्रिरत्न की बातें की जाए प्रश्न में, यदि त्रिरत्न लिख दे कि त्रिरत्न सर्वप्रथम किसमें बातें की गई हैं तब आपको जैन धर्म ही क्लिक करना है। लेकिन बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या हैं? तो आपको बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। ठीक ना, यानी बुद्ध की शरण में आओ, गच्छामि। आपको दूसरा संघम शरणम गच्छामि, शरणम गच्छामि गच्छामि। और तीसरा धम्मम शरणम गच्छामि, क्या है? धम्मम शरणम गच्छामि यानी धम्म की शरण में आओ, धम्मम शरणम गच्छामि। ये आपको तीन जो हैं ये बौद्ध धर्म के प्रधान सूत्र बताए गए हैं। जबकि यहाँ पर जैन धर्म के भी ये आपको बौद्ध धर्म के त्रिगत धर्म के
त्रिरत्न। ठीक, चलिए नेक्स्ट। श्रवण बेल गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? तो गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा चामुंडराय के द्वारा स्थापित कराया गया था। ये आपको श्रवण बेल गोला कहाँ है, तो ये कर्नाटक में, कर्नाटक में गोमतेश्वर का मंदिर, ये आपको गोमतेश्वर के मंदिर को है जीन सेन की प्रतिमा, ठीक ना, जीन सेन या जीन स्वामी की प्रतिमा, स्वामी के प्रतिमा भी बोलते हैं। इनसे संबंधित जो आपको अभिषेक होता है इसे महामस्तिका अभिषेक, महामस्तिका अभिषेक शेख कहा जाता है। ये आपको, और ये चामुंड राय के द्वारा किया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा एकाश्म पत्थर की प्रतिमा है, के मूर्ति है। इसकी कुल लंबाई जो है, लंबाई इसकी कितनी है, तो इसकी लंबाई आपको लगभग 70 फीट ऊंची, 70 फीट ऊंची यह प्रतिमा है। इसे ही बाहुबली भी कहते हैं, जिन सेन की प्रतिमा या बाहुबली, बाहुबली के प्रतिमा। ये ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे, यानी ऋषभदेव के दो पुत्र थे, एक भरत थे और दूसरा बाहुबली थे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, जैन एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थले स्थित है। तो दोनों की तीर्थ स्थले आपको कहाँ है? कौशाम्बी में आपको स्थित है। कौशाम्बी में भी, प्लस पीछे ही मैंने बताया कि मथुरा में भी इनकी प्रतिमा स्थित है। नेक्स्ट आओ, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपको जो थे, यह आपको कौन थे, मुकली गोशाल को आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कहा जाता है। प्रारंभ में ये, प्रारंभ में ये महावीर स्वामी के, स्वामी के अनुयायी थे, अनुयायी। यह संप्रदाय अति भाग्यवादी वादी माना जाता है। ये बातें फिर देखोगे तो आपको जो है बिंदुसार इसी संप्रदाय का अनुयायी था। ये बातें। नेक्स्ट, अनेकांतवाद निम्न में से किसका क्रोट सिद्धांत है? अनेकांतवाद जो है ये जैन धर्म का ही सिद्धांत है। अनेकांतवाद जो था ये जैन धर्म का ही महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। और अनेकांतवाद को मोटे तौर पर क्या कहते हैं? तो विचारों की बहुलता का सिद्धांत भी कहते हैं। किसका? तो विचारों के बहुलता, बहुलता का सिद्धांत, का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। और क्या कहते हैं? तो और यह मान्यता है कि अनेकांतवाद जो है भिन्न भिन्न कीड़े मकोड़े आदि जो है जीव जगत सत्य है,
ये आपको कई चीजों से मिलकर बना है। ऐसा स्यादवाद भी आपको इसी से संबंधित एक पंथ माना जाता है। नेक्स्ट, अनुव्रत सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अनुव्रत सिद्धांत जो है ये भी आपको जैन धर्म से ही संबंधित है। अनुधर्म सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो अनुधर्म सिद्धांत को ये स्यादवाद भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो स्यादवाद भी आपको कहा जाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक आपको यही है। और भद्रबाहु के द्वारा ही कल्पसूत्र नामक ग्रंथ की रचना की गई है। कल्पसूत्र नामक ग्रंथ की रचना आपको इन्हीं के द्वारा की गई। कल्पसूत्र में है क्या? तो आपको इसमें जैन तीर्थंकरों के जीवनी है, जैन तीर्थंकरों के जीवनी। ठीक। नेक्स्ट, महावीर के अनुयायियों को मूल क्या कहा जाता था? तो निर्ग्रंथ कहा जाता था। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। क्या होता है? बंधन रहित। और ये सभी चीजें, ये अरहत, निर्ग्रंथ, कैवलीन, कैवलीन का अर्थ जो होता है सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करने वाला, सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करने वाला, ये सभी महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी को अरहत, अरहत का अर्थ होता है पूजनीय, और ये सभी एक अद्भुत पराक्रम थे, इसी कारण महावीर इन्हें नाम दिया गया। ये सभी अद्भुत पराक्रम थे इसलिए इन्हें महावीर कहा। जैन धर्म के एक इंद्रिय वर्गीकरण के अनुसार पौधे, पृथ्वी, जल तथा अग्नि में सिर्फ एक कौन सा होता है जो अनुभव करता है? तो आपको जो है स्पर्श के द्वारा है, गंध के द्वारा, दृश्य के द्वारा, स्वाद के द्वारा, गंध के द्वारा या स्पर्श के द्वारा इसे देखा जाता है। किसके द्वारा? तो सिर्फ और सिर्फ स्पर्श के द्वारा ही, यानी स्पर्श करने से चीजें अनुभूति ज्ञान होती है। ऋषभ देव की पुत्री को भारत की वर्णमालाओं के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। कौन थी? तो वह ब्राह्मी थी। ऋषभ देव के आपको दो पुत्र कौन कौन हुए? तो आपको भरत एवं बाहुबली। ये भारत जो था उत्तर भारत का था, उत्तर भारत का शासक, और बाहुबली जो था ये आपको दक्षिण भारत का शासक था, दक्षिण भारत का शासक। ये बाहुबली भारत को कई बार पराजित किया लेकिन हर बार उसके प्रांत को लौटा, ठीक ना। और एक पुत्री थी जिनका नाम था ब्राह्मी, और ब्राह्मी लिपि के जन्मदाता। ये बातें
शरण बेलगोला में 982 ईस्वी में प्रसिद्ध बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति का संस्थापक चामुंड राय किसके दरबार का मंत्री था? तो मैं इस उसी समय चाहता तो बता देता, लेकिन उस समय नहीं बताया था, ठीक ना? किसके दरबार का था? राजमल के, या विष्णुवर्धन, या कुत्सवर्मन, या विजला राय? ये आपको किसके दरबार का था? तब आप सबको बता दें कि यह जो था आपको, हाँ, रजमल लिखा है, ये राजमल आपको गंगवंशीय शासक राजमल का, या आपको जो है ये आपको था। इस मूर्ति को बनाने में 12 वर्ष का समय लगा था। इस मूर्ति के निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा। नेक्स्ट, 24वें तीर्थंकर या अंतिम कौन थे? तो ये आपको महावीर स्वामी थे। ये कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर, और इनका जो चिन्ह था यह सर्प था। ये आपको ऋषभदेव, ये प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, और इनका जो तीर्थ आपको जो सर्प के जगह पे इनका बैल या आपको सांड इनका प्रतीक चिन्ह था। महावीर स्वामी अंतिम और तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह शेर था, और आपको अरिष्ट नेमी ये 22वें तीर्थंकर माने जाते हैं, और इनका प्रतीक चिन्ह कमल था। क्या था? कमल। जिस जैन धर्म में जैन तीर्थंकरों की जीवनी चरित है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम भैया कल्पसूत्र है। और इसकी रचना किसने की थी? तो अभी पीछे ही मैंने बताया कि भद्रबाहु के द्वारा इसकी रचना की गई। आदि पुराण की जीन सेन ने की थी, जीन सेन। और भगवती सूत्र जो है इसी में सर्वप्रथम 16 महाजनपदों के जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर स्वामी ने कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो वह ब्रह्मचर्य था। पार्श्वनाथ के द्वारा 4 सिद्धांत दिए गए थे। अहिंसा, इसे अमरीसा भी बोला जाता था, और आपको अहिंसा, ठीक ना, इसे अमरीसा कहा जाता था या सत्य वचन, अपरिग्रह, और जो चौथा जो था वह आपको अहिंसा का मतलब है दूसरे जीवों पर दया करना, जीवों पर दया, ये बातें। अपरिग्रह का मतलब होता है चोरी न करना, धन का संचय न करना। और आपको इसमें आगे जो है क्या कहते हैं कि चौथा क्या था? अस्तेय,
चोरी न करना, ना करना, ये चार आपको जो था ये दिया गया था। सत्य वचन, ये तो आप सबको पता ही है कि सत्य वचन बोलते हैं, ये चार थे। और पांचवा जो था, पांचवा महावीर स्वामी के द्वारा पांचवा जोड़ा गया। नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसने जैन संघ के प्रमुख का वर्णन मिलता है? तो सुधर्मा या सुधर्मन, सुधर्मन, धर्मन जो है यह आपको मिलता है, ये आपको महावीर के मृत्यु के पश्चात, ठीक ना। चूंकि महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में 11 गणधर, गणधर जो थे धर्म के प्रचार के लिए बनाए थे, और 11 में से 10 जो थे महावीर स्वामी के जीवन काल में ही मृत्यु को प्राप्त कर लिए थे। एकमात्र जीवित गणधर कौन था? तब आप जवाब दीजिएगा, एकमात्र जीवित गणधर सुधर्मन था, ठीक। संगमरमर में उत्कृष्टतम उत्कीर्ण के लिए भारत के प्रख्यात जैन मंदिर कौन सा है? तब आप जवाब दीजिएगा, दिलवाड़ा का, यानी दिलवाड़ा या माउंट आबू, क्या चीज, माउंट आबू, आबू, आबू का मंदिर। ये माउंट आबू जो है कहां है? तो राजस्थान में है, ठीक ना। माउंट आबू के मंदिर जो है ये माना जाता है, ठीक। यहां पर आप कह सकती हैं कि दिलवाड़ा के मंदिर को और किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है कि दिलवाड़ा के मंदिर को और किस नाम से पुकारा जाता है, ये कई बार पूछा गया है। चूंकि चालुक्य वंशीय राजा जो था, इसके मंत्री दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, और इसमें आपको भीम प्रथम का मंत्री, भीम प्रथम का मंत्री विमल शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, इसीलिए इसे विमल शाही मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विमल शाही मंदिर कहते हैं, ठीक ना, मंदिर कहते। एक बात और, ये किस देवता को समर्पित है या किस तीर्थंकर को? तो प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर को समर्पित, नेक्स्ट देखो, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तब आप जवाब दीजिएगा, हाथी गुंफा अभिलेख से आपको जैन के पूजे जाने का उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख किसने लिखवाया था, ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल, खारवेल के में मिलता है। ऐसी जानकारी मिलती है कि नंद वंशीय राजा महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण करके जीन स्वामी की प्रतिमा उठा ले गया था। बाद में कलिंग नरेश खारवेल ने आपको कले मगध पर आक्रमण करके यहां से प्रतिमा वापस ले गया था। नेक्स्ट, तो इस तरह बच्चा प्रश्नों की एक शानदार श्रृंखला समाप्त हुई। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।